हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीयूईटी का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम 22 मई 2023 को शिफ्ट वन में हुआ था। इसका इस सेम क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लगा के 50 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, 26 क्वेश्चन नंबर 26 में मैच लिस्ट दिया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। जैसे ए दिया हुआ है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, ये कभी ओपन नहीं होते हैं, तो ये होगा डू नॉट ओपन एट ऑल, तो ये और इससे मैच करेगा। वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया जो है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, तो ये होगा पहला नंबर। एमॉर्फोफेलस, एमॉर्फोफेलस जो होता है ये टॉलेस्ट फ्लावर होता है, तो ये होगा दो नंबर इसका लिस्ट 2 का। पपाया क्या होता है, पपाया जो है डायोसियस प्लांट होता है, इस मतलब कि जो मेल और फीमेल प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, या फ्लावर्स जो कह सकते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो ये तीसरा नंबर का। इस तरीके से देखते हैं, ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2, डी के साथ 3 मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा A4 B1 C2 D3, ऑप्शन नंबर ए डी। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीव्स। तो इसमें 4 प्लांट्स को दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसको हिंदी में क्या कहते, इसको हिंदी में कहते हैं जलकुंभी। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा होगा इसे बंगाल टेरर भी इसको, या टेरर ऑफ बंगाल भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस के जो प्रोसेस है उसमें जो इवेंट्स होते हैं उनके करेक्ट सीक्वेंस को हमें अरेंज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले है आर इंटरफेरेंस में होता है यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को होल्ड किए रहते हैं उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो पहला सीक्वेंस होगा हमारा बी, देन DNA is introduced in such a way that it produces both sense and antisense RNA in the host. Second step में होता है कि जो introduce किया हुआ DNA रहता है वो RNA produce करता है, और RNA दो तरीके के होते हैं, sense और antisense। और ये दोनों RNA कहाँ produce होंगे, host में होंगे। Second जो sequence होगा वो होगा event, वो D होगा। फिर The two strands of RNA being complementary to each other form double strand RNA. जो सेंस और एंटीसेंस RNA form किए रहते हैं होस्ट में, जो टू स्ट्रैंड्स होते हैं ये सेंस और एंटीसेंस RNA, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इच अदर के, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो डबल स्ट्रैंड RNA form करते हैं। तो तीसरा इवेंट होगा सी। लास्ट इवेंट डबल स्ट्रैंड आरएनए साइलेंस द एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द निमेटोड। जो डबल स्ट्रैंड आरएनए है वो एमआरएनए से जाके बाइंड करेगा और उसको डिग्रेड कर देगा, जिससे कि वो पर्टिकुलर एमआरएनए ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा या प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो लास्ट इवेंट होगा हमारा ए, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा बी डी सी ए, बी डी सी ए। क्वेश्चन नंबर 29, अरेंज
Arrange the given steps of DNA fingerprinting in sequence. DNA fingerprinting का जो sequence होता है, जो order होता है, उसी को arrange करना है. तो इसमें चार events दिए गए हैं और इन्हीं को order में arrange करना है. तो सबसे पहला step होता है DNA fingerprinting में, isolation of DNA and digestion by restriction endonuclease. ये पहला step होता है. तो ये हो गया हमारा first event B. सेकेंड जो स्टेप होता है उसमें सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो आइसोलेटेड डीएनए रहता है और जिसको आइसोलेशन के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जिसका डाइजेशन करते हैं, उसके बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसको जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको आइसोलेट करते हैं उस जेल के ऊपर. तो हमारा सेकेंड इवेंट होगा डी. जो थर्ड इवेंट फिर होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो आइसोलेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो जेल पे आइसोलेटेड किए रहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, उनको क्या करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं. ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, जेल से नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पे उसको ट्रांसफर किया जाता है. तो थर्ड इवेंट होगा ए. लास्ट इवेंट होगा हमारा सी. इस इवेंट में क्या करते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वीएनटीआर प्रोब. लास्ट इवेंट में वीएनटीआर प्रोब मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, ये प्रोब इस तरीके का प्रोब यूज करके उसको हाइब्रिडाइज करते हैं जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं. तो हमारा लास्ट इवेंट होगा सी. इस तरीके से हमारा ऑप्शन होगा बी डी ए सी. बी डी ए सी ऑप्शन बी करेक्ट होगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे. क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन, कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्टीलर्स सी काउ, स्टीलर्स सी काउ जिसको नॉर्मली हम सी काउ भी कहते हैं, और दूसरा क्या दिया एंड पैसेंजर पिजन, इनका जो है कॉज ऑफ एक्सटेंशन पूछा है. तो इसका कॉज ऑफ एक्सटेंशन होगा एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये नहीं होगा. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये होगा. क्या हुआ, इसका जो ह्यूमंस के द्वारा जो है ह्यूमंस के थ्रू इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है जिससे इनके नंबर धीरे धीरे कम होते गए और ये एक्सटिंक्ट होते गए. तो ये ऑप्शन बी सही है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन द एक्वेटिक फूड चेन इज, इसने पूछा है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट होता है वो एक्वेटिक फूड चेन में इस ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं. तो पहला ऑप्शन दिया है बायोफोर्टिफिकेशन. बायोफोर्टिफिकेशन ये बायोफोर्टिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक ये प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे क्रॉप्स होते हैं उनको उनकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है होती है उसको हम एनरिच करते हैं टू जो हमारे जो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड है या फिर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट नहीं होगा. बी क्या दिया है ऑप्शन, बायो मैग्निफिकेशन. बायो मैग्निफिकेशन ही एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट क्या होता है, बढ़ता चला जाता है. हमारा जो है ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा. जबकि जो सी ऑप्शन दिया है यूट्रोफिकेशन, इसमें जो होता है जो वाटर बॉडीज होती है उसमें जो है न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी होती है वो जाके क्या होती है, एक्यूमुलेट होने लगती है, तो वो इनरिच हो जाता है न्यूट्रिएंट से. तो ये प्रोसेस कहलाता है यूट्रोफिकेशन. और डी ऑप्शन दिया है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन में क्या होता है, मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसको हम मेंटेन करते हैं और उसको बनाए रखते हैं कि हमारे फ्यूचर में इस्तेमाल होने के लायक रहे. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32.
a wheat field is inoculated with bacterium azotobacter. Choose the correct option as a result of inoculation. क्वेश्चन में पूछा है एक वीट फील्ड है, इसमें हमने बैक्टीरियम से क्या किया, एजोटोबैक्टर। ये कैसा बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इससे इनोकुलेट किया जाता है, तो क्या इफेक्ट होगा। दिया हुआ है ए दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया है ए, द सॉइल विल बी गेट इनरिच्ड इन पोटेशियम, ये नहीं होगा। द सॉइल विल गेट इनरिच्ड इन नाइट्रोजन, यस ये होगा, क्योंकि एजोटोबैक्टर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये सॉइल में डिफरेंट इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में ये फिक्स करता है। देन सी स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सॉइल में, और नाइट्रोजन क्या होता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। टी स्टेटमेंट दिया है, वीट प्रोडक्शन विल इंक्रीज, ये सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी जो है प्लांट्स को वो बढ़ती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन स्टेटमेंट बी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज्ड बाय द फीमेल फॉर बर्थ कंट्रोल आर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। इसने पूछा है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसमें कौन कौन से हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें एक हार्मोन होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। लिस्ट वन में दिया है माइक्रोब्स का नाम, और लिस्ट टू में दिया है इनका एप्लीकेशन। आइए एक एक करके देखते हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये एक बैक्टीरिया होता है, और ये जो है ये बायो इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस करता है, तो ये होगा तीसरा नंबर, इससे मैच करेगा। सैक्रोमाइसिस सर्विसेई, ये ईस्ट होता है, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू हम एल्कोहल इससे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ऑप्शन वन से ये मैच करेगा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये इम्यूनोसप्रेसेंट प्रोड्यूस करता है, तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन होगा। एस्परजिलस नाइजर, ये फिलामेंटस फंजाई है, और ये प्रोड्यूस करता है साइट्रिक एसिड, तो ये फंगस है और साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए का थर्ड, बी वन, सी टू, डी फोर, ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों क्या है, ये अर्ली ह्यूमंस थे, इनको फॉसिल्स के थ्रू जो है डिस्कवर किया गया था, और ये पूछ रहा है कि इनमें से जो अर्ली ह्यूमंस थे जिनसे आज मॉडर्न मैन इवॉल्व हुए हैं, इनमें से कौन इनके बॉडी प्रोटेक्शन के लिए हाइड्स और यूज करते थे, और अपने जो डेड होते थे, जो डेड उनके रिलेटिव्स वगैरह होते थे, उनको जो है बरी करते थे, उनको जमीन में गाड़ते थे। तो ऑप्शन में पहला क्या, होमो हैबिलिस, ये नहीं होगा। नियंडरथल मैन, ये करेक्ट, ये सही ऑप्शन है। तो बी, जो नियंडरथल मैन थे वो यूज करते थे हाइड्स को अपने बॉडी को ढकने के लिए, और अपने रिलेटिव्स जो डेड इनके रिलेटिव्स होते थे उनको जमीन में वो दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, नॉट ए कॉज। तो इसमें पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू नहीं हुआ, कौन सा कॉज नहीं है। पहला क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ही हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा।
इसमें क्या हुआ है, जैसे जंगलों का डिफॉरेस्टेशन वगैरह, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे क्या हुआ है कि जितने भी जो फॉरेस्ट एनिमल थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, उनका क्या ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या फिर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह हुए थे तो क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए वो, तो ये भी नहीं होगा। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये कहीं और दूसरी जगह से ले आके दूसरी जगह उन्होंने, ह्यूमंस ने क्या किया है, दूसरी स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया किसी अन्य जो है अदर जो है इकोसिस्टम में। तो इस तरीके से ये जो है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन के थ्रू ही हुआ है। और चौथा ऑप्शन दिया है मिट्योराइट इम्पैक्ट, ये क्या है, ये ह्यूमन कॉज नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 37। द इंटरैक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश इज, इसने इंटरेक्शन के बारे में पूछा है सी एनिमोन और क्लॉन फिश के बीच में जो होता है, तो सी एनिमोन के साथ क्या होता है, क्लॉन फिश जो है वो अटैच रहता है, और सी एनिमोन के पास होता है स्टिंगिंग टेंटिकल्स, जिससे वो इस क्लोन फिश को प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन इसके बदले में सी एनिमोन को कुछ नहीं मिलता। तो ये इंटरेक्शन जो है ये कॉमनसेलिज्म टाइप का होगा, तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, जबकि म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिटेड होते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कॉम्पिशन में क्या होता है, दोनों जो है दोनों के लिए हार्मफुल होता है, तो ये भी नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दोबारा से इसने मैच लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं आरएनए के और उनका फंक्शन दिया हुआ है, एमआरएनए दिया, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और सिस्ट्रॉन। तो एमआरएनए होता है वो टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एमआरएनए पे क्या होता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, एक्चुअल जो है जो एमिनो एसिड का जो कोडॉन का सीक्वेंस कहाँ होता है, एमआरएनए के पास होता है, तो ये ऑप्शन फोर से मैच करेगा। राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ये क्या होगा, ये जो है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो ये दूसरे के साथ मैच करेगा। टीआरएनए ये एमिनो एसिड का कैरियर होता है। सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन किसको कहते हैं, सिस्ट्रॉन जीन को कहते हैं, तो ये हमारा जो मैच लिस्ट होगा ए का फोर बी टू सी, तो ये नहीं होगा, A का 4 B2 C1 D3, ऑप्शन डी ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द फैक्टर कॉजिंग द पुअर हेल्थ ऑफ ए पर्सन, जो पुअर हेल्थ ऑफ ए पर्सन है उसका कौन सा जो है कॉज नहीं है, कौन सा फैक्टर उसका कॉज नहीं है। तो इसने चार स्टेट फैक्टर्स दिए हुए हैं और इसी में से चूज करना है। जेनेटिक डिसऑर्डर ये कॉज हो सकता है, क्योंकि जैसे हीमोफीलिया हुआ है ना, G6PD डिफिशियंसी हुआ, इस तरीके के जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उससे क्या होता है, बैड हेल्थ का क्या होता है वो रीजन होता है। इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन क्या करता है, वो पुअर हेल्थ का जो है कॉज बनता है। सी, इनटेक ऑफ अनबैलेंस डाइट एंड अनक्लीन वाटर, जब हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं और अनक्लीन वाटर को जो है ड्रिंक करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए हम ससेप्टेबल होते हैं और हाई रिस्क पे हो जाते हैं, तो ये भी एक कॉज होगा। हैविंग गुड ईटिंग हैबिट्स, तो ये फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे, अगर गुड ईटिंग हैबिट्स है, सेफ वाटर ड्रिंक करते हैं और अच्छे से पका हुआ खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो कौन सा फैक्टर कॉज पूछा है ना, और नॉट द फैक्टर, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि डी क्या है, डी ये बैड हेल्थ का कॉज नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइजिन
इज नॉट करेक्ट. क्राइजिन, क्राइजिन प्रोड्यूस करता है बैसिलस थुरिंजेंसिस. थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया जो है ये क्राइजिन होल्ड करता है, और जो बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया है ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन. टॉक्सिन ये एक्चुअल में क्या होता है, ये बायो इंसेक्टिसाइड होता है. इंसेक्टिसाइड. अब आते हैं ऑप्शन पे. क्राइजिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइजिन इज नॉट करेक्ट. क्राइजिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है. पहला है क्राइवन एसी कंट्रोल द कॉटन बोलवार. क्राइवन एसी कंट्रोल करता है कॉटन बोलवार के लिए, तो ये क्या है स्टेटमेंट, ये करेक्ट है. क्राइटू ए बी कंट्रोल द कॉटन बोलवार. ये क्राइटू ए बी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्राइवन जीन है, क्राइजीन के डिफरेंट फॉर्म्स है, और ये जो है क्राइटू ए बी जो है कंट्रोल करता है बोलवार को. ये क्या करता है, उसके लिए इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है. क्राइवन सी ऑप्शन दिया है, क्राइवन ए बी कंट्रोल द कॉटन बोलवार, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्राइवन ए बी जो है ये कंट्रोल नहीं करता है कॉटन बोलवार के लिए. तो हमारा जो ऑप्शन सी जो है वो सही. क्वेश्चन नंबर 41-45 के लिए पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज के आधार पे हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है. देखिए 41 से लेके 45 तक के लिए, तो हम पैसेज को एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, और इसे आप चाहें तो आप इसे पॉज करके आप खुद से पढ़ लीजिएगा. द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज विच शोज इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडीड. इन दिस डिजीज ए सिंगल प्रोटीन दैट इज ए पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल ए सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग. द हेटरोजाइगस फीमेल फॉर द डिजीज मे ट्रांसमिट इट टू द sons. The possibility of a female becoming a sufferer of disease is extremely rare because mother of the such a female has to be least carrier and the father should be sufferer. The family pedigree of Queen Victoria shows a number of suffering descendant as she was a carrier of the disease. So, यहां से अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं इस पैसेज के आधार पे. पहला क्वेश्चन है 41 नंबर. आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिजीज सीन इन द डिसेंडेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया. तो कौन सा डिजीज होगा, यहाँ सिंपल यहाँ मेंशन किया हुआ डिजीज के बारे में. इन दिस डिजीज ए सिंगल सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैस्केड ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड. तो ये कौन सा डिजीज होगा, ये होगा हीमोफीलिया. इसको और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लीडर्स डिजीज. ये बहुत फेमस डिजीज है, और इसका जो है क्वीन विक्टोरिया से इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 42. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जीनेटिक डिसऑर्डर एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ. ये जो इस पैराग्राफ में जो डिजीज को एक्सप्लेन किया गया हीमोफीलिया, ये एक टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्योंकि ये मेंडेल के लॉ को फॉलो करता है. तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 43. आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ क्वीन विक्टोरिया. तो यहाँ जो क्वीन विक्टोरिया है इनके जीनोटाइप को पूछा है, तो ये क्वीन विक्टोरिया का जो जीनोटाइप होगा ऑब्वियसली वो फीमेल थी, तो इनके पास क्या होगा, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, और वो कैरियर थी. तो यहाँ दिया है डॉट, यहाँ डॉट दिया है जीन फॉर डिसऑर्डर के लिए, तो एक यहाँ पे डॉट होगा ऐसे. इसका मतलब ये क्या है, एक जो है उनका एक एलील जो है अफेक्टेड है, दूसरा नॉर्मल है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा. यह है क्वेश्चन नंबर 44. मैन हु इज सफरर ऑफ द डिजीज मैरिज ए वुमन हु इज कैरियर ऑफ दिस डिजीज. व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एज ए कैरियर ऑफ दिस डिजीज.
मतलब इसमें क्या किया है, इसमें जो है एक सफरर ऑफ डिजीज क्या है, कौन है वो मैन है, और उसकी शादी होती है एक वुमेन से जो क्या है कैरियर फॉर डिजीज के लिए कैरियर है। तो इसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन का जो परसेंटेज है ना उन जो बॉर्न होंगे एज ए कैरियर, जितने बच्चे पैदा होंगे उसमें जो एज ए कैरियर जो चिल्ड्रेन होंगे उनका परसेंटेज क्या होगा। तो ये मान लीजिए आपकी ये फादर का जीनोटाइप है और ये मदर का जीनोटाइप है, और इन जो इनकी प्रोजेनी है जो इनके बच्चे हैं जो चिल्ड्रेन है उनका जीनोटाइप इस तरीके से हम यहाँ से इसे बनाते हैं। तो यहां से ये क्लियर है कि जो चार में से केवल एक ये जो है गर्ल चाइल्ड है और ये क्या है कैरियर है, तो चार में से एक है यानी क्या हुआ 4 1/4 × 100, ये हो गया 25%। तो ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं, फिर मैच लिस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, यहाँ कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया है लिस्ट टू में, उसी से मैच कराना है। तो जो ए सिंबल है ये डिनोट करता है यहाँ से कंसनग्यूस मैरिज को या मैटिंग, या सिंपल भाषा में कह लें कि ये बहुत क्लोज रिलेटिव जैसे भाई बहन के बीच के मैरिज को ये सिंबल जो है डिनोट करता है। तो इसके साथ होगा ये दूसरा वाला मैच करेगा। फिर आते हैं ये वाला सिंबल है, ये सिंबल अनस्पेसिफाइड सेक्स को जो है ये डिनोट करता है, तो ये फोर होगा। और ये जो सिंबल है ये दर्शाता है कि पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ दिस डिजीज, ये क्या है, ये पेरेंट्स है, ये हो गया आपका फादर, ये हो गया मदर, और ये क्या है अफेक्टेड चाइल्ड मेल चाइल्ड है ये, क्योंकि ये सॉलिड ब्लॉक दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद आया है ये डी सिंबल, ये मैटिंग को डिनोट करता है, मैटिंग या मैरिज, तो ये हो गया आपका तीसरा हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा, ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 to 50 तक के लिए, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, ये कोडॉन की लिस्ट दी हुई है और उसके करस्पॉन्डिंग जो है अमीनो एसिड दिए हुए हैं। जैसे ये आपको जो आरएनए है उसका जो है डिफरेंट कोड्स दिए हुए हैं, और जब ये तीन कोड मिलके जो है तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडॉन बनाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये अमीनो एसिड दिए हुए हैं। तो ये कोडॉन का फर्स्ट पोजिशन ये डिनोट करता है, यहाँ पे ये फर्स्ट पोजिशन है कोडॉन का, ये सेकेंड पोजिशन है और ये थर्ड पोजिशन। तो इसके आधार पे इसने क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन एमआरएनए, AUG, UUU, UUA, CU, CCU, UCG और A। तो यहां से हम देखते हैं, अब ये है AUG, ये AUG यहाँ दिया है, ए पहला कोडॉन ए, सेकंड यू, थर्ड आपका यहाँ से जी। तो AUG कोड कर रहा है मेथियोनिन को, यहाँ लिख लेते हैं मेथियोनिन।
सेकेंड है यू 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 यू, ये फिनाइल एलानिन को डिनोट करता है, ये हो गया आपका। थर्ड है यू यू ए यू यू ए, ये ल्यूसिन को। फोर्थ है सी सी यू सी 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 यू, प्रोलिन को डिनोट करता है। देन यू सी जी यू यू सी जी, ये यू सी जी, ये सेरिन। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ये बी मिथियोनिन फिनाइल एलानिन ल्यूसिन प्रोलिन सेरिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, आइडेंटिफाई द डी जनरेट कोडॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसने पूछा है कि जो डी जनरेट कोडॉन है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसने पूछा है। तो डी जनरेट कोडॉन का मतलब हुआ, जो डी जनरेट कोडॉन का मतलब ये हुआ कि जो है एक ही टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते। तो इसमें से हम देखते हैं, जी यू यू जी यू जी जी यू ए जी यू यू वैलिन को, जी यू जी जी यू यू वैलिन को, जी यू जी ये भी वैलिन को, फिर है जी यू ए जी यू ए, ये तीनों क्या है कोडॉन, ये वैलिन को ही कोड कर रहे हैं, तीनों वैलिन को कोड कर रहे हैं। मतलब क्या है, ये तीनों डी जेनरेट कोडॉन है। डी जेनरेट कोडॉन का मतलब क्या हुआ कि वो एक ही टाइप ऑफ एमिनो एसिड को वो कोड करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। आइडेंटिफाई द स्टार्ट कोडॉन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन ए यू जी और ये कोड करता है मिथियोनिन। ऑप्शन ए सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड फ्रॉम द आरएनए विद द गिवन कोडॉन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये डिफरेंट कोडॉन क्या करेंगे, एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे, और इन ये जो सीक्वेंस दिया है कोडॉन का, इनसे जो एमिनो जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कोड होगा उसमें कितने नंबर ऑफ जो है एमिनो एसिड्स होंगे। तो पहला देखते ए यू जी, ये मिथियोनिन को कोड करता है, जी यू यू ये वैलिन को, जी सी ए जी आपका जी सी ए ये एलानिन को कोड करता है, सी जी यू सी 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 जी यू आर्जिनिन को कोड करता है, सी जी यू यू ए ए यू यू ए ए यू ए ए यू ए ए, ये क्या है स्टॉप कोडॉन। ये स्टॉप कोडॉन होने के कारण जो है ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो जो प्रोटीन कोड करेगा उसमें हो कितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होंगे, 1 2 3 4 टोटल 4 होंगे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पूछता है इन द गिवन आरएनए, क्वेश्चन नंबर 50। इन द गिवन आरएनए द नाइट्रोजिनस बेस एट पोजीशन 2 ऑफ द फोर्थ कोडॉन। नाइट्रोजिनस बेस एट द पोजीशन ऑफ फोर्थ कोडॉन इज रिप्लेस्ड बाय जी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस।
यहाँ पे पूछता है कि आरएनए गिवन आरएनए द नाइट्रोजन बेस एट पोजीशन टू ऑफ फोर्थ कोडॉन 1 2 3 4, ये आपका फोर्थ कोडॉन है ठीक है, और फोर्थ कोडॉन इज पोजीशन टू मतलब यू ए ए आपका फोर्थ कोडॉन दिया है एट पोजीशन टू ऑफ द फोर्थ कोडॉन इज रिप्लेस्ड बाय जी, मतलब इसको जी से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा यू जी ए। What will be the effect on the protein synthesis? पहले देखते थे UAA किसको कोड करता है, आपका UAA जो है क्या है स्टॉप कोडॉन है, और UGA क्या है, UGA ये भी जो है स्टॉप कोडॉन है। अब यहां से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है डिफरेंट प्रोटॉन इज डिफरेंट प्रोटीन इज सिंथेसाइज, ये नहीं होगा क्योंकि फोर्थ क्या है आपका स्टॉप कोडॉन है, चेंज होने के बाद भी स्टॉप कोडॉन ही रहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही है। चेंज इन एमिनो एसिड एट पोजीशन फोर, पोजीशन फोर क्या है स्टॉप कोडॉन है, कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो ये भी नहीं होगा। नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, स्टॉप कोडॉन रिप्लेस करके फिर से स्टॉप कोडॉन ही बना, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस आके क्या हो जाएगा ये स्टॉप हो जाएगा, इसलिए नो इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, और आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जो सीयूटी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है जो 22 मई 2023 को शिफ्ट वन में हुआ था उसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो और प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगला जो है क्वेश्चन पेपर सीयूटी का हम डिस्कस करेंगे।